जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी पर। दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए, किसके रिगार्डिंग? नेगेटिव मार्किंग के रिगार्डिंग, कि नेगेटिव मार्किंग का किस किस को क्या क्या फायदा मिलने वाला है। आपको भी 100% फायदा मिलेगा। जो चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ आप उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। आपको 100% है कि नेगेटिव मार्किंग का इस बार SSGT के पेपर में काफ़ी फायदा होने वाला है। कैसे होने वाला है इस चीज़ को आप समझ लीजिए, जो चीज़ें मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ उनको। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ लाडलू कि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो कमांडो अकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। उस पर SSGT का संपूर्ण कोर्स मात्र 299 रुपये में और रिकॉर्डेड कोर्स मात्र 150 रुपये में आप अभी जाके परचेज कर सकते हैं कमांडो अकेडमी के एप्लीकेशन से। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं इस बार पहली बार SSGD की, या कई बार कर चुके हैं लेकिन SSGD की इस बार पहली बार कर रहे हैं, तो लाडलो आपके पास में ये गाइड बुक होनी चाहिए। बहुत ही शानदार गाइड बुक है एग्जाम कार्ड की तरफ से। बहुत ही सभी सब्जेक्ट इसमें क्लियर किए गए हैं। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट गाइड बुक का मतलब होती है कि आपको ये गाइड करती है कि आपको क्या पढ़ना क्या नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि केवल एक ही बुक पढ़ के आपका काम हो जाएगा, ना 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 ना, ये सिर्फ आपको गाइड करती है। आपको एक सब्जेक्ट देती है, एक चैप्टर देती है, एक टॉपिक देती है कि इन इन टॉपिक को आप पढ़िए ताकि आप सब्जेक्ट, क्योंकि ये सिलेबस पे अकॉर्डिंग होती है। बाकी जितने भी बुक्स आप लेते हो, चाहे GK के ले लो, मैथ के ले लो, रीजनिंग के ले लो, वो सिलेबस के आधार पर नहीं होती। वो कमाइंड बुक होती है हर एक एग्जाम के लिए और ये होती है सिलेबस के आधार पर। तो अगर आपको ये चाहिए, आप ये लेना चाहते हो, तो अमेजन का मैंने लिंक दे दिया नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन भी कर रखा, आप उस पर क्लिक करिए, देखिए नंबर 1 ट्रेंडिंग में ये बुक है। बहुत तगड़ी बुक है, आप ले सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि इस बार नेगेटिव मार्किंग का आपको क्या क्या फायदा होगा। आपको मैं बता दूं कि इससे पहले इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, नेगेटिव मार्किंग इससे पहले नहीं थी, इस बार जोड़ी गई है। क्यों जोड़ी गई है आपको बताऊं, ये केवल SSC एक जैसा मात्र एग्जाम बता था जिसमें माइनस मार्किंग या नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, जो कि इस बार जोड़ी गई है। इससे पहले 100% आते थे, 25-25 के 4 भाग 90 मिनट का समय। इसकी वजह से क्या होता था लाडू, एक तो नॉर्मलाइजेशन में बहुत पंगा होता था, नॉर्मलाइजेशन में नंबर बहुत ही ऊपर नीचे होते थे नेगेटिव मार्किंग नहीं होने के कारण। अब नेगेटिव मार्किंग हो जाने के कारण नॉर्मलाइजेशन में जो नंबरों का क्रम ऊपर नीचे वाला थोड़ा सा घट जाएगा, होगा नॉर्मलाइजेशन, ऐसी बात नहीं कि नहीं होगा, नंबर थोड़े से ऊपर नीचे कम होंगे बजाय पहले के, जितने पहले हुए थे उससे थोड़ा सा कम होगा, ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, नेगेटिव मार्किंग जैसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। और जितने भी बच्चे पढ़ने वाले थे, मैं आपको बताऊंगी इसकी वजह से क्या होता था। अब तक क्या होता था कि 100 क्वेश्चन आते थे और जो नहीं पढ़ने वाले बच्चे होते थे या जो कोई भी ऐसे बच्चे जिनकी तैयारी नहीं होती थी, वो तुक्का पत्ती पे बहुत बिलीव करते थे। अगर मान लीजिए कि ऐसे पेपर में अगर हार्ड क्वेश्चन आ गए और उस पेपर में उनके 10 भी तुक्के सही लग गए, 10 तुक्के सही लग गए, तो मान के चलिए 10 नंबर तो ये और 15 नंबर इस हार्ड पेपर में नॉर्मलाइजेशन के मिल जाते थे, 25 नंबर की लीड मार के लग जाते थे और पढ़ने वाले बच्चे रह जाते थे। क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे क्या कि जब तक कंफर्म नहीं होते थे तब तक उनको तुक्का मारने में बहुत ही पीछे रहते थे। लेकिन इस बार क्या होगा, इस बार ये होगा कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको फायदा मिलेगा माइनस मार्किंग का। कैसे? इस बार माइनस मार्किंग कितनी है? 1/4। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो इसमें गलती नहीं करेंगे, वो क्वेश्चनों को पूरा अटेंड करने की कोशिश करेंगे, साथ में वही क्वेश्चन अटेंड करेंगे जो उनको आता है। और आपको ही ऐसा ही करना है, आपको जो क्वेश्चन 100% के लिए रहो उसी का आंसर करना है। इस बार आप 50-50% का चांस नहीं लेना। अगर 50-50% का आपने चांस लिया तो आप अपना हर 4 क्वेश्चन में 1 नंबर खोदोगे। ठीक है, यानी आपका लाया हुआ नंबर भी आप खोदोगे, तो ऐसी गलती नहीं करना। आपको क्या करना, कैसे आपको नेगेटिव मार्किंग का फायदा मिलेगा मैं आपको बताता हूँ लाडो। अभी से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप टेस्ट सीरीज, जब भी हमारी टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हो गई कमांडो अकेडमी एप्लीकेशन पे, 51 टेस्ट सीरीज हमारे स्टार्ट हो गए। आप कल से ये टेस्ट सीरीज दे सकते हैं कमांडो अकेडमी एप्लीकेशन पे। टेस्ट सीरीज जब भी आप अभी से तैयारी कर रहे हो तो उसको इस बात पे लेके चले कि आप नेगेटिव मार्किंग के साथ में कर रहे हैं, यानी माइनस मार्किंग के साथ में कर रहे हैं। अब इस बात का ध्यान रखना, जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको क्या करना, मेरी बात को ध्यान से सुनना कि जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको एक तो प्रैक्टिस करनी है पेपर देने की, साथ में अगर अभी से आप तैयारी कर रहे हो तो गलत क्वेश्चन जिसपे 50-50% चांस हो उस क्वेश्चन को अटेंड ही नहीं करना। ज्यादातर बच्चे ये गलती करेंगे कि वो तुक्का मारेंगे और तुक्के हमेशा सही नहीं होते, ध्यान रखना तुक्के कभी सही नहीं होते पूरे के पूरे। अगर जैसे कि मैंने बोला कि पिछली बार पेपर में 100 क्वेश्चन थे, अगर किसी के 10 तुक्के सही और 30 तुक्के गलत हो जाते तो भी कोई टेंशन नहीं, लेकिन इस बार अगर 30 तुक्के, अगर मान लो 28 तुक्के गलत हो गए तो ये 10 तुक्के सही हुए ना, इसका ये 7 नंबर ले कट जाएगा और 3 नंबर ही बचेगा। इसलिए तुक्का पत्ती इस बार काम
ना करेगी, इस बार काम करेगी आपकी मेहनत। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो ही काम में आएगा, नहीं तो काम नहीं बनेगा। इसलिए एक बात ध्यान रखना, जब भी पेपर अटेंड करो या अभी अगर तैयारी करो, माइंड में ये लेके चलिए कि आपको सिर्फ सही क्वेश्चन जो आपको आते हैं वही अटेंड करने, भले ही आपके 60 नंबर या 70 नंबर ही क्यों नहीं आते। अगर आपके 60 नंबर भी आते हैं तो आपको ध्यान रखना 60 नंबर ही आए, लेकिन कौन से आए, जो आपने तैयारी कर रखी है वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। अगर आपके करेक्ट आंसर आने तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको कोई रोक नहीं सकता। नॉर्मलाइजेशन में कम कैसे होगा, नॉर्मलाइजेशन में इस वजह से कम होता, तुक्कापत्ती में क्या होता था कि जैसे पेपर अगर मान लो लूज आ गया तो उसमें ज्यादा नंबर आ जाते बच्चों को, नेगेटिव मार्किंग का एक डर रहेगा नहीं पढ़ने वाले बच्चों में, पढ़ने वाले बच्चों में डर कम रहेगा, नहीं पढ़ने वालों में डर बहुत ज्यादा रहेगा और वो तुक्के नहीं मार पाएंगे, ये गारंटी। और मारेंगे तो नुकसान उठाएंगे, अगर मारेंगे तो नुकसान उठाएंगे। तो ये अवसर उन बच्चों के लिए जो अभी से तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी की और बहुत ही तगड़े से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए बहुत ही फायदा, मैं आपको बताऊं नेगेटिव मार्किंग के आपके इतना फायदा मिलेगा। अगर मान के चलिए, आप मान के चलिए एक बार कि अगर 100 का क्वेश्चन पेपर आप मान के चलिए कि आप 80 क्वेश्चन भी अटेंड कर लेते, ठीक है, और ये सही अटेंड कर लेते हैं, ये वो क्वेश्चन है जो आपको आते हैं एसएससी जीडी में, 80 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि इसका लेवल बहुत ही लो होता है, 10th क्लास का लेवल होता है, उसमें भी काफी लो लेवल के क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो अगर आप 80 क्वेश्चन ले आते हैं, 80 नंबर भी ले आते हैं और नेगेटिव मार्किंग के दौरान, तो मान के चलिए आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता, ठीक है, क्यों, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, तुक्के मानने वालों के चलेंगे नहीं। आप 100% क्लियर होके ही क्वेश्चन करें, तैयारी में इस प्रकार से तैयारी करें कि आप हर एक क्वेश्चन का बिल्कुल आसानी से और सटीक आंसर दे सकें। पढ़ने वाले बच्चों के सबसे ज्यादा फायदा होगा और तुक्का मारने वालों को सबसे ज्यादा नुकसान, इसीलिए पढ़ने वालों को डरने की जरूरत नहीं। बहुत सारे बच्चे डरते हैं सर नेगेटिव मार्किंग होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी, अरे आपको फायदा है इसका, नुकसान नहीं। इससे वो बच्चे छड़ जाएंगे जो अब तक तुक्के मार रहे थे, अब उनका कोई काम नहीं बनेगा। कैसे नहीं बनेगा, उसके पीछे ये है कि मान लो 40 तुक्के मारे, उनके 10 सही और 30 गलत, तो कितने नंबर आएंगे उनके, मात्र 3 से भी कम नंबर, और पहले कितने आते थे, 10 के 10 नंबर आ जाते, ठीक है। और पढ़ने वाले बच्चे क्या करेंगे, अगर मान लो 40 क्वेश्चन को अटेंड करेंगे तो वो 30 सही करेंगे और मान लो 1-2 गलत करेंगे तो भी उनके 28 से 29 नंबर आ जाएंगे और वो काफी आगे रहेंगे, लीड मारेंगे इस बार। इसीलिए आपको डिमोटिवेट नहीं होना, ठीक है, मोटिवेट रखना है और तैयारी इस प्रकार से करनी है कि क्वेश्चन 100% आप क्लियर कर सको। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आप क्लियर कर पाओगे मैथ और रीजनिंग के, मैं आपको अभी बता देता हूँ, मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन 100% आप क्लियर कर पाओगे, ठीक है, मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आप 100% क्लियर कर पाओगे बहुत जल्दी से, ठीक है, इनमें आपका जो नंबर है वो क्लियर हो जाएगा, बाकी किसी में क्लियर जल्दी नहीं होता। जीके में आपको श्योर ही आंसर देने हैं, इसलिए आप तगड़ी से तैयारी करिए। हिंदी में आप श्योर आंसर दे सकते हैं, तो जीके में भी आपको श्योर आंसर देने की कोशिश करनी है, लेकिन इनमें आप नेगेटिव मार्किंग के दौरान इन सब्जेक्ट को तैयार करने से आप काफी लीड मारोगे, ठीक है। तो मैथ रीजनिंग पे पूरा फोकस करिए क्योंकि बाकी जो तुक्के मारने वाले उनके यहीं गड़बड़ाते हैं, जीके में तो और भी उनके तुक्के चल जाते हैं लेकिन यहाँ नहीं चलते, तो आपको यहाँ पर जोर देना है और उनसे आगे निकल जाना है। जय हिंद, जय भारत लाडो।